बेंदीखोड़ा मुख्यालय पर भी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जुट करके ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली विभाग द्वारा मनमानी बिजली कटौती, मनमाने बिजली बिल और बिजली की कीमतों में वृद्धि का विरोध किया गया। कांग्रेस के द्वारा यह आंदोलन यहां पर चलाया गया और अनुभागीय अधिकारी तहसीलदार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जिससे उनकी मांगों को माना जाए और उनकी मांगों की पूर्ति भी की जाए। खड़ा के हालात देखते हुए हमारे यहाँ तेनुखड़ा की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि जो अघोषित लाइट काटी आती है, काफ़ी किसान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, आम जनता परेशान हैं। इन दिनों बरसात के सीजन में जहरीले जीव जंतु घूमते हैं और किसानों को समय पर लाइट न मिलने से आम पब्लिक की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा है महामहिम राज्यपाल के नाम से। और यदि इस पर सुधार नहीं हुआ तो आगे इस पर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। खेड़ा क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, व्यापारिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसकी आए दिन खंभों में करेंट आ रहा है, आए दिन केबल टूट रही है। इससे होने वाली परेशानियों की वजह से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तेंदुकड़ा की ओर से ये निर्णय लिया गया कि आज हम अघोषित बिजली कटौती के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम पर SDM महोदय को ज्ञापन सौंपे और ये मांग की गई है कि तत्काल ये अघोषित कटौती बंद की जाए, अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन भविष्य में किया जाएगा।